थोड़ा समय की कमी रहती थी क्योंकि हम जिला के दौरा पड़ते हैं, तो जिला वाला दौरा लगभग समाप्त है, दो चार जिला बच गया है जो हो जाएगा, तो इसी वजह से नहीं आ रहे थे या कम आ रहे थे। तो अब वक्त मिला है तो आए हैं और आगे तो रूटीन में आना जाना रहेगा, इसको अलग से कोई देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो दो सीट पर जो चुनाव होना है उसका आज अनाउंस हो गया है पार्टी के लिए, दोनों सीट आपके लोग का है जदयू का नहीं है, कितनी बड़ी चुनौती है उसको? तो कोई चुनौती जैसा नहीं है, दो जगह बाय इलेक्शन है, भाग्य से इलेक्शन हो रहा है क्योंकि जो भी वहां थे प्रतिनिधि किसी कारण से अब हमारे बीच नहीं है, जिसके चलते जगह खाली हो गई है, तो इलेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है हमारी पार्टी के लिए। दोनों सीट हमारी है, दोनों जगह हम लोग लड़ेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे भी, कोई चुनौती जैसा नहीं, बिल्कुल रूटीन वर्क जैसा है। अच्छा, आप घूम भी रहे हैं, समाप्त होने पर क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या स्थिति लग रही है? बहुत ही अच्छी स्थिति है, हर जगह हम आम लोगों के बीच भी गए हैं, पार्टी के साथियों से भी मुलाकात हमारी हर जगह हुई है, आम जनता में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति बहुत ही निष्ठा और उम्मीद का भाव है, लोगों के मन में भरोसा है, खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी योजना एक से एक चला रहे हैं, तो इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत ही अच्छा भाव है और पार्टी के साथियों में भी जबरदस्त उत्साह हमने देखा है सभी जगह, तो इसके आधार पर बहुत ही अच्छी स्थिति आज की तारीख में है। और यूं कहा जाए कि आज अगर चुनाव हो जाए तो 2010 से भी अच्छी स्थिति हम साबित कर देंगे, लेकिन ना तो चुनाव के समय ही है, उस वक्त हम बताएंगे, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो स्थिति आज बन गई। संगठन में भी कुछ बदलाव की जरूरत है, संगठन में तो आप देख रहे हैं कि बदलाव जहां आवश्यक है वहां बदलाव हो भी रहा है, और स्वाभाविक रूप से भविष्य में भी जहां जहां जरूरत महसूस होगा वो बदलाव होगा, इसमें काम एक चीज और है, नीतीश कुमार का बड़ा मुद्दा रहा है विशेष राष्ट्र दर्जा, कल उन्होंने जो भेजा है उसमें विशेष मदद की मांग की, कहा कि अब हम लोग कब तक मांगे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, शब्द का अंतर है, बाकी बिहार को जो चाहिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में, मदद के रूप में, जैसे भी केंद्र की सरकार बिहार को दे, जो रिक्वायरमेंट हमारा है, जो आवश्यकता हमारी है, उसके अनुकूल विकास के लिए जो कुछ भी हमको चाहिए केंद्र सरकार से अपेक्षा है या प्रस्ताव भी सरकार भी हमारी देती है केंद्र सरकार को, तो उसके आधार पर सहयोग चाहिए, बस इतना ही है, बाकी शब्द पर मत जाइए। नीति आयोग की रिपोर्ट में सर बिहार का अंक बढ़ा है लेकिन रैंक घट गया है। अरे वो सब आंकड़ा पर कहां जाते हैं, आंकड़ा हम लोगों से ज्यादा बेटर आप समझ सकते हैं, हम भारत सरकार में भी थे और आंकड़ा जब दिल्ली में बैठकर देखते थे तो लगता था कि पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन गया। आंकड़ा और जमीनी सच्चाई में संबंध बहुत नहीं ठीक रहता है, क्योंकि हर जगह वो अलग बात है, सरकार का काम, सरकार के काम करने का तरीका अलग होता है और उसके आधार पे आंकड़ों का जो कलेक्शन है बहुत व्यवहारिक नहीं होता है। हम सरकार में है फिर भी हम यह बात बोल रहे हैं, सच्चाई है, आंकड़ा कुछ कहता है और जमीनी सच्चाई कुछ और रहती है, इसलिए आंकड़ा में मत जाइए ना। यूपी का चुनाव हो रहा है, आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी दी गई है, आप क्या यूपी का दौरा भी आप लोग शुरू होना था, क्या कुछ रणनीति बनती है? देखिए उसके बारे में तो स्पष्ट है ना, हमारी पार्टी का फैसला है कि हम चुनाव वहां लड़ने में हमारी प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़े, और इसके लिए माननीय आरसीपी सिंह जी को पार्टी की ओर से कहा गया है कि आप बात करके और गठबंधन के संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है इसको देखिए, तो अभी हम लोग वहीं तक हैं, उसके बाद अगर कोई स्टेज में जाकर यह लगेगा कि बात नहीं बन पा रही है तो अंतिम रूप से तो फैसला हमारा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों का दौरा भी शुरू होगा? हाँ निश्चित रूप से, चुनाव करीब लगभग आ ही गया है तो दौरा तो होगा।